नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। और आज हम जो है वो सोनपुर मेला पहुंचे थे और मेला में घूमते घूमते हम एक जगह ऐसा पहुंचे जहां पे मेरी नज़र अचानक से उस चीज़ पे पड़ी और यहां पे मैंने देखा कि नाबार्ड हार्ट सोनपुर। और नीचे जैसे ही मैंने देखा तो यहां पे दुकान में लकड़ी के जो हैं हैंडीक्राफ्ट, मतलब कि काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव दिखे मुझे। तो यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे आई और जब मैंने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है वो भैया से मैंने जब बात किया तो इनका जो स्टोरी है वो भी मुझे काफ़ी मतलब अट्रैक्ट किया। तो ऐसे में हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1-2 मतलब ये जो है मंथ है और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेज है, वीक्स नेम है पूरा। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये बगुला है। ओके, तो ये बगुला है और ये पेड़ में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था जब यहाँ पे भैया ने ऐसे इसको सजा रखा था, तो ये काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर भी है और मोर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन इनके पीछे मैंने स्टोरी सुना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज़ में। और बिल्कुल, और आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं जन विकास क्रांति NGO से हूँ जो कि जगदीशपुर में स्थित है। बिल्कुल, और ये जैसे कि भैया बता रहे एक NGO के माध्यम से आए हैं। हमारा NGO जो जन विकास क्रांति है, तो हमारा जन विकास क्रांति का मोटो है हमारा प्रयास हर घर रोजगार। तो उस मोटो के नक्शे कदम पर चलते हुए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के आसपास जितने भी पिछले वर्ग के लोग हैं या फिर कोई भी वर्ग के लोग हो जिनके पास रोजगार के अवसर ना हो, तो हम चाहते हैं कि हम उनको रोजगार का अवसर दें। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और काफ़ी अट्रैक्ट होते लोग और ख़रीदते भी हैं, जैसे कि उनमें से एक मैं भी हूँ। तो ऐसे में हम और भी जानेंगे कि ये कौन से लोग इन सब चीज़ों को बनाते हैं और उनको किस खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो रिसर्च के वजह हमें पता चला कि जैसे कि जिन लोगों के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी एक्सीडेंट में या फिर बचपन से ही ऐसे हैं, तो हम सोचे कि उनको कुछ रोज़गार दिया जाए। तो उसके लिए पहले तो हमें उनकी स्किल को बढ़ाना था। तो हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि इस लकड़ी के खिलौनों और प्रोडक्ट बनाने में उनको ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं होगी, तो एक जगह बैठ के वो बना सकते हैं। हम उनको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें उपलब्ध कराते हैं, इससे मिनिमम एफर्ट से अच्छा और बेहतरीन काम किया जा सके। बिल्कुल, तो ऐसे में जो भी दिव्यांग लोग जो हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो ये जो जन विकास क्रांति है NGO है उसके मतलब यहाँ आप जुड़ सकते हैं, आपको रोज़गार मिल सकता है और आप यहाँ काम कर सकते हैं, आप कुछ अपने बलबूते कुछ कर सकते हैं। तो आप जैसे कि ये सब देख रहे होंगे, ये सब कुछ इसका जो ट्रेनिंग है भैया वो कितने दिनों का मिलता है क्या? हमने पहले उनको 90 दिन की ट्रेनिंग दी, पहला फर्स्ट क्वार्टर में था उनका। तो 90 दिन के अंदर जितने अच्छे जो काम करने वाले कारीगर थे तो उनको हमने वहाँ पे नौकरी दी। उसके अलावा हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग। तो अब की बार ट्रेनिंग 4-5 मंथ का होगा, 4-5 महीने। हाँ, 4-5 महीने का ट्रेनिंग दिया, जिससे उनकी जो स्किल जो उन्होंने सीखा है उसको और बेहतर तरीके से वो निखार सकें और प्लस में जो और भी नए कैंडिडेट आएंगे उनको भी आगे के अवसर दिया जा सके। बिल्कुल, और ऐसे में हम आप लोगों के लिए सुविधा हो कि आप लोग अगर सोनपुर मेले में आएँ तो इन चीज़ों को ख़रीद सके, इसलिए मैं इनके कुछ रेट्स भी जान लेती हूँ भैया से। और वीडियो क्लास में मैं आपको यहाँ का एड्रेस भी बता दूँगी कि, लेकिन है तो ये मेला, लेकिन आपको इजीली मिल जाए, हम कोशिश करेंगे ऐसे बताएंगे। तो भैया ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव, ये टाइम शो कर रहा है, ये यहाँ पे टाइम भी शो कर रहा है, डेट भी शो कर रहा है, दिन भी शो कर रहा है। तो मतलब क्या इसका प्राइस क्या होगा? इसका 350 है। 350 है, बिल्कुल। और काफ़ी मतलब कि ये यूज़फुल होने वाला है, ये लोगों के यूज़फुल होने वाला है। और ये जो है ये डॉल आप देख रहे हैं, मतलब कितनी खूबसूरत, ये जूट से बनाया गया है और इसमें इसको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है और आप जैसे कि देख सकते हैं। और
काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये, मतलब वेरी अमेजिंग। और कुछ बताना चाहेंगे भैया? इसकी दूसरी एक खास बात है, ये जो डॉल है एसएचजी की, एसएचजी जो वुमेन होती है उनके द्वारा बनाया गया, वो भी कौन सी वुमेन? एसएचजी वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा। और इसकी खास बात यह है कि इसको वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। वेस्ट मटेरियल मतलब कि जो, मतलब कि लोग फेंक देते हैं उससे? फेंक देते हैं हाँ। तो इसका श्रेय तो वैसे नाबार्ड के द्वारा हमने प्रोजेक्ट किया था, उसके अंतर्गत हमने 90 महिलाओं को ट्रेनिंग दी कि कैसे वो अपने घर पे पड़े बेकार वस्तुओं का चीजों से बना हाँ, सके। अच्छे अच्छे चीजें बना सके। तो इसे मतलब हम, और इसका रेट बताइएगा भैया? इसका 200 रुपये। 200 रुपया इसका 200 रुपया रेट है। और आप समझ सकते हैं कि ये वेस्ट चीज़ों से बनाया गया है और इसका 200 रुपये रेट है। मतलब कि जो महिलाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं उन्हें कितना, मतलब कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। और भी यहाँ पे खूबसूरत डॉल्स हैं, और जो मुझे पसंद आया था पहली नज़र में, जिसको देख कर मेरी आँखें ठहर गई थी, बस वो है, वो पूरी बियर, वो बियर्ड आप देख सकते हैं, वो भी हैंडमेड है। मैं इसे चाहूंगी कि आप खोल के दिखाएं भैया। ये जो आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल हैंडमेड है, और ये भी जूट से बनाया गया है, मतलब वो सर्कल सर्कल करके, मतलब देख सकते हैं कितना, मतलब इजीली इसको बनाया गया, लेकिन कितना मीन्स कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये देखने में। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। और मैं जो ये कितने का है भैया? 100 रुपये। ये 100 रुपये का मिलेगा आपको यहाँ पर। और भी कुछ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है आई थिंक हंस है या बगुला है, तो ये बगुला है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है, भोजपुरिया हुनर हाट, एनजीओ का नाम है जन विकास क्रांति। तो यहाँ पे उन्होंने अपना स्टिकर लगाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बगुला है, ये पेड़ में कितना सुंदर लग रहा है, ये अकेले उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जैसे कि ये यहाँ पे पेड़ में था, और वहीं पे आप उधर एक अकेले देख रहे हैं तो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना ये पेड़ में खूबसूरत लग रहा है। तो जो लविंग वर्ड है मीन्स कहने का मतलब ये कि कोई हिंदी में कहे, शुद्ध हिंदी में कहे तो प्रेमी प्रेमिका है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, या फिर अपने हस्बैंड के लिए, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए खरीद सकते हैं, उनको उनको गिफ्ट कर सकते हैं गिफ्ट के लिए। ये हंस का जो रेट है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कितने का पेड़ है भैया? 500। ये 500 का पेड़ आपको आ जाएगा। और हम तो चाहेंगे कि भैया से मोल जोल ना करें क्योंकि ये हैंडमेड है। तो और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये दिव्यांगों के द्वारा बनाया गया है, तो ये काफ़ी, ये जो स्टोरी है वो मुझे काफ़ी हार्ट टचिंग लगी। तो ऐसे में आपको जो मैं लोकेशन बता दूं, ये एकदम एग्जैक्ट मेले में है, और आप जब मेले में एंटर करेंगे, और हाँ मैं एग्जैक्टली आपको लोकेशन बताऊं, तो वो झूला जहाँ पे हादसा हुआ था बस उसके कुछ ही, मतलब 2-4 कदम के पास ही है। और यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है नाबार्ड हार्ट, और नाबार्ड ही मतलब कि ये जो पूरा परिसर, और जहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें दिखाई हैं आपको, वो शॉप नंबर 2 में है, नाबार्ड हार्ट सोनपुर अम्बपाली, ये शॉप नंबर 2 में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।